ये मेरी कढ़ी बन रही है आज। और इधर मैंने धनिया कट करके रख रखा है, धनिया डालना है इसमें। और इधर आटा लगा के रखा है मैंने, बाटी बनूंगी कढ़ी के साथ। और इधर बर्तन वॉश करके रख दिए मैंने मॉर्निंग में, चाय नाश्ता करने के बाद। इधर क्या कर रहे हो? अच्छा, इधर सिलेंडर रखा है, ये इसको जमा करवाने हैं दोनों सिलेंडर को। ये इधर बच्चे अंदर क्या कर रहे हो? काम क्या कर रहे हो बाबू? ये ड्राइंग बना रहे हो बाबू? ड्राइंग नहीं बना रहा है। इधर क्या टीवी ऑन कर रखी, कुछ चला नहीं रखा है आज। सफाई वगैरह कुछ करी नहीं मैंने, बिस्तर वगैरह ऐसे ही रखे हैं। कितनी प्यारी धूप आ रही, धूप आती उसके बाद ही मैं काम शुरू करती हूँ। सारे सैटरडे के लोग हैं। इन दोनों को नेला दिया है, नेला के फ्रूट कट करके दे दिए, फ्रूट खा रहे हैं। हाय करो स्वीटी, नमस्ते। नमस्ते बाबू, क्या खा रहा है? क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते स्वीटी? अच्छा, मैं नहाई नहाई करके आ जाती हूँ, फिर खाना खाएंगे। ओके चिकू, ओके। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं अब फ्रेश होके अब आई हूँ रूम में। मैं सोचा आपसे बात कर लेती हूँ, क्यों दो दिन से मैं आपसे नमस्ते वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे आज मैं फ्री हूँ, सैटरडे घर पर हूँ, तो मैंने सोचा अब बात कर लेती हूँ आपसे। और मैंने काम करते हुए छोटी छोटी क्लिप एड करी थी मैंने, खाना बना रही थी और बच्चों को नहलाया। मैं इसमें छोटी छोटी सी कर ली, मॉर्निंग में पता है आपको काम कितना रहता है, तो उसमें बीच में टाइम नहीं मिलता है। बना के रख दिए और बाटी उबलने के लिए रखी। अब उसको मेरे को ऊपर से सेकनी है मेरे को, और अब खाना भी खिलाना है बच्चों को। तो मैं इसमें थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर लेती हूँ। और यहाँ पे पाइप लाइन है गैस कनेक्शन की, तो सिलेंडर रखे हैं हमारे पास पुराने। जब हम दिल्ली में आए थे शुरू में, तब हमने सिलेंडर लिए थे, गैस सिलेंडर, तो वो रखे थे, दो रखे। इसी बालकनी में भीड़ हो रही थी आज सैटरडे, तो हस्बैंड के रेस्ट था, तो उन्होंने काम में जमा करवा के आ जाता हूँ। तो हस्बैंड तो वहाँ गए जमा करवाने के लिए गए, तो मैं सोच मैं खाना बना रही जब तक कि अब वो आने वाले हैं। तो मैंने सोचा गर्म गर्म ही बनूंगी, थोड़ा लेट ही बनाया कि बच्चों को फ्रूट दे दी थे कट करके मैंने, वो नाश्ता वाश्ता कर लिया था। तो सैटरडे तो आप जानते हो सैटरडे में खड़े भी लेट होते हैं, और उसके अलावा काम भी धीरे धीरे चलता रहता है, क्यों सैटरडे संडे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो फिर आराम से काम चलता है। और वरना तो जल्दी उठ के जल्दी करना रहता है, स्कूल में जाना हो तो जल्दी जल्दी करते हैं हम काम, तो इसीलिए आज मेरा लेट हो गया है। तो अब मैं बाटी सेक लेती हूँ, और फिर इधर बच्चे टीवी देख रहे हैं। और स्वीटी के आज सैटरडे के दिन मैं ही नहीं लाती हूँ, क्योंकि डेली तो इतना जल्दी रहता है, स्कूल का टाइम भी इतना जल्दी 5:30 का है, तो खुद नहाती, मैं खाना बनाती हूँ, टिफिन बनाने में लगी रहती हूँ, तो मैं नहीं नहलाती हूँ, ये नहा लेती, खुद से नहा लेती है। तो जानते हैं बच्चे तो अपने हाथ से नहाएंगे, तो बच्चे छोटे हैं तो उसी तरीके से नहाएंगे। तो फिर आज सैटरडे संडे में खुद नहलाती हूँ अच्छे से, आज सिर भी धोया था इसका मैंने। तो ये बाल बना रही है, सूखे नहीं है अभी, ऐसी बना रही है, फिर मैं बनूंगी बाद में। और पोएम चला रखी बाबू के लिए, तो पोएम देख रहा है। और इसको क्या चाहिए? बालून लेके आएंगे। ओके, अभी मम्मा जाएगी लेके आएगी, नमस्ते करो पहले, फिर लेके आएंगे। ऐसे ऐसे नहीं करते नमस्ते, अच्छे से करो नमस्ते, बोलो नमस्ते, ऐसे करो कहते, बलून तो नहीं लेके आऊंगी मैं, सही से बोलो नमस्ते, ऐसे राधे राधे जय श्री श्याम बोलो, सही बोलो। और सैटरडे संडे हस्बैंड का रेस्ट रहता है, हर वीक जब रेस्ट रहता है तब वो ना मंदिर में माला बनाने, माला बनाते हैं खुद से, माला लेके आते हैं, मतलब फ्लोर लेके आते हैं, तो खुद से माला बनाते हैं। तो हर रेस्ट पे चेंज करते हैं हम, ये माला सूख जाती है हर 7 दिन में, तो फिर आज भी लेके आए। आज तो माला, आज तो फूल लेके नहीं आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, कुछ काम था थोड़ा सा, तो आए भी लेट थे ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी से, तो फ्लोवर लेके आए। तो अब उसकी माला, मतलब फ्लोवर नहीं, माला लेके आए, तो अब उसको लगाना मंदिर को, तो वो आएंगे अभी, फिर खाना खा के फिर बाद में सेट हम दोनों मिलके करेंगे कि माला बनी बनाई। अब इसको लगानी है हमें, इस बार बनी हुई लेके आए हैं,
दो कलर में लेके आए हैं, एक येलो एक ऑरेंज कलर। तो इसको बस लगाने के काम, और कौन सा कलर से नहीं, मैंने खुद नहीं देखा सही से। तो रखे गए ड्यूटी से आने के बाद, इतना प्यारा कलर लग रहा है ना। खाएंगे थोड़ी देर के लिए, आने के बाद खाना खा के फिर नाइट पे बैठे बैठे फिर वो सेट करेंगे। चलो अब मैं इसको रख देती हूँ, बच्चों का खाना बन गया हो तो मैं खाना देखती हूँ, फिर उनको खाना देती हूँ। मामू को ऐसी उबली हुई दे दूंगी क्योंकि उसको भूख ज्यादा लग रही है, कब से कह रहा मामा खाना खाना, हमारे लिए ऊपर से सेकूंगी मैं अच्छे से, इसको उबली हुई दूंगी। बाबू आपका खाना लेके जाओ, आ जाओ। क्या खाना है बाबू को? पार्टी करना। और रुको, पूरा तोड़ी ना बात कर दिया इसके लिए आपके। गेट कर दो, गेट कर दो मुझे मुझे। इतने बाद है? ठंडा और एक बात खाना, इसमें सब्जी डाल दी इसके अंदर, मैंने इसके अंदर धरा में, इसको उसमें ढकते रख देते और फिनिश होगा फिर दे दूंगा। चलो ये बाबू का करी और बाती, अब ये ऊपर बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, लो आपकी टम्मी। ऐसा क्या खाया आपने? आपकी टम्मी फूल, आप नहीं खा रहे हो? कड़ी ऐसी खाना बन रहा था जितने कड़ी ऐसी खा ली, ऐसी पी ली थी कड़ी इसने, और कड़ी फेवरेट है तो भी खाना खाने के लिए मना कर दिया। बीच बीच में मैंने खाना बनाया जब तक कुछ कुछ खाना चलता था इनका। चलो मैं भी खा लेती हूँ, भूख लग रही बहुत तेज। मैंने भी ले लिया अपना खाना कड़ी और बाटी, और मैं भी खा लेती हूँ, और आप भी आ जाइए गरम गरम सी टेस्टी टेस्टी। सर्दी में कड़ी अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सर्दी में, तो मैं भी खा लेती हूँ। ये बाबू को भूख लग रही है ना, बाबू का दूध लो, लो दूध पी लो, जल्दी पकड़ो जल्दी से। क्या कर रहे हो स्वीटी, क्या कर रहे हो? ड्राइंग बना रहे हो? सारा ब्लैक कलर ही कर रहे हो स्वीटी? ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए भी लेके आ रही हूँ मैं। लो स्वीटी आपका दूध, आपको जबरदस्ती देना पड़ता है, आपको पसंद नहीं है तो भी। अब इसको चिढ़ाना मत, ओके? ये सॉक्स क्यों फेंक रखे खोल के आपने? ये हमारी चाय बन गई है, बच्चों को दूध दे दिया, अब चाय ले जाने देती हूँ मैं। खाना खा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया था, फिर उसके बाद मैं खड़ी हुई, फिर उसके बाद बच्चों के लिए दूध बनाया था, और हस्बैंड के और मेरे लिए चाय बनाई थी, और चाय पी ली मैंने। चाय पीने के बाद तुरंत मैंने अब नाइट के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, और मैं दलिया बना रही हूँ, तो उसके लिए प्याज कट कर रही हूँ, सारी सब्जी जो भी डालना है उसमें वो कटिंग कर रही हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेट भी हो गई हूँ थोड़ा।
बनाई है, दलिया की खिचड़ी बनाई है, नमकीन चावल की तरह बनाई है, क्योंकि दलिया खाना किसी को पसंद नहीं है तो इस तरीके से बने ताकि सबको पसंद आ जाए। स्वीटी को बुलाती हूँ मैं। इधर थोड़ा सा बाबू के लिए रखा है मैंने, तो दिन में बहुत हेवी खा लिया था कढ़ी चावल। स्वीटी खाना लेके जाओ। दिन में बहुत ज़्यादा हेवी खा लिया था, कढ़ी और बाटी खा ली थी। टेस्ट करके बताओ कैसा। गर्म है, आराम से फूंक तो दो। स्वीटी टेस्ट कर रही है। यम्मी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, चटपटा है। चलो ले जाओ, एक बाबू को भी लेके जाना, ठीक है? काके रूम में आ गई हूँ और इधर ये भी आ गया, पीछे पीछे मेरे इधर गेम खेल रहा है, इसने भी खाना खा लिया है और अब मैं फ्री हो गई हूँ। और खाने में मैंने दलिया की खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि दिन में सबने हेवी खाया था, कढ़ी खाई थी और बाटी खाई थी, तो कढ़ी बाटी बहुत ज़्यादा है, बाटी बहुत ज़्यादा हेवी होती है, तो किसी को भूख नहीं लग रही थी, सबने लेट ही खाना खाया था। सैटरडे तो आपको पता है धीरे धीरे काम होता है, तो फिर सबने लेट खाना खाया, तो फिर तो मैंने सोचा चलो दलिया की खिचड़ी बना लेती, थोड़ा थोड़ा और खा लेंगे वो। और मैं दलिया बनाती तो कोई नहीं खाता, किसी को पसंद नहीं कि उसमें मीठी मीठी चीनी डाल के खाते, दूध के साथ खाते तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने नमकीन चावल की दलिया की खिचड़ी बनाई, तो सब ने इंजॉय से खाया, सबको अच्छी लगी, सब बोल रहे थे अच्छी है अच्छी है। और अब मैं इनको सुलाना है, नहीं सुलाऊंगी तो ऐसे ही बैठे रहेगा, ऐसे मोबाइल देखेगा, है ना? बोलो गुड नाइट। गुड नाइट इधर मुकर के बोलो। नहीं बोल रहे हो, बड़ी टॉफी नहीं मिलेगी आपको। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट बोलो। यूट्यूब फैमिली गुड नाइट बोलो। यूट्यूब फैमिली गुड नाइट। गुड नाइट नहीं मतलब गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। चलो अब इस वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ, होप करती हूँ आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा प्यार प्यार से कमेंट्स करना, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और अपना ध्यान रखो, अपना अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहिए। ओके बाय।